ग्रेटर नोएडा के नामी अस्पताल में अब रोबोट से डॉक्टर ऑपरेशन कर रहे हैं। अस्पताल ने अत्याधुनिक दा विंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है। इस विधि को भारत की सबसे उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में से एक बताया जा रहा है। इस रोबोटिक सर्जरी का फायदा ये है कि इससे न केवल रिकवरी रेट बढ़ जाता है बल्कि मरीज जल्द स्वस्थ होकर अपने घर जा सकता है। विदेशों में रोबोट से जटिल सर्जरी की बातें अक्सर सामने आती रहती हैं। अब भारत किसी मायने में विदेशों से पीछे नहीं है। ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन में नवीनतम और उन्नत रोबोटिक तकनीक से मरीजों का ऑपरेशन किया जा रहा है। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने भारत की अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकियों में एक दाविंची सर्जिकल रोबोट लॉन्च किया है। अस्पताल के डॉक्टर दहावी इस आधुनिक सर्जिकल रोबोट को भारत लाए हैं। इस रोबोट के बारे में अनुभव साझा करते हुए दहावी ने बताया कि 2003 में पहली बार उन्होंने दुबई में रोबोट की मदद से ऑपरेशन किया था। इससे सामान्य ऑपरेशनों के मुकाबले कम ब्लड निकाला और इसका रिकवरी रेट बेहतर रहा। उन्होंने बताया कि तकनीक से होने वाले ऑपरेशन में मरीज को ज़्यादा बड़े चीरे नहीं लगाने पड़ते हैं। डॉक्टर रोबोट में लगे कैमरों के जरिए पेट के अंदर की गतिविधि देख लेते हैं और सफलतापूर्वक ऑपरेशन कर देते हैं। इस रोबोट की मदद से न केवल जनरल सर्जरी बल्कि गैस्ट्रो और यूरोलॉजी जैसे जटिल ऑपरेशन आसानी से किए जा सकते हैं। और ये एक जनरल रोबोट है, इसके अलावा एक और रोबोट है हमारे पास कॉल ऑर्थोपेडिक रोबोट, जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए करता है। सो यथार्थ हॉस्पिटल इस चीज पे बिलीव करता है कि यदि आपके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्जन होने चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए और उनको उस काम को डिलीवर करने के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी होने चाहिए। इस एरिया में वी आर द ओनली वन हु हैविंग दिस टेक्नोलॉजी, द विंची रोबोट। मेडिकल साइंस में हमेशा हर 4-5 साल में न्यू टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है और हमारा विजन और हमारा थॉट प्रोसेस जो प्रमोटर्स हैं डॉक्टर जय डॉक्टर कपिल त्यागी, उनका यही इंफेसिस रहा है कि हम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी अपने ग्रुप में प्रोवाइड कर सकें ताकि इसका बेनिफिट जो है इस एरिया में रहने वाले लोग हैं जहाँ पे इतने सालों से हम सर्विस दे रहे हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। किडनी ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ डॉक्टर दुष्यंत नादर ने बताया कि रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट जैसी बड़ी सर्जरी कम से कम समय में की जा सकती है। इससे संक्रमण फैलने का खतरा भी बेहद कम होता है। यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज चौधरी ने बताया कि सभी गैस्ट्रो सर्जरी रोबोटिक द्वारा की जा रही है। रोबोट से पेट के कैंसर का भी ऑपरेशन किया जा सकता है। और उसका विजन 2 से 10 गुना ज्यादा है और विजन 4K जो आपको क्लैरिटी देती है लैप्रोस्कोपी में उसे कम से कम 10 गुना ज्यादा है। और कंट्रोल ऑफ आर्म्स को आप 6 डिग्री के 60 डिग्री की मूवमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोबोट हिस्टेरेक्टोमी, ओवेरियन रिस्टेक्टोमी जैसे सर्जरी करने में सफल है। इसके परिणाम भी बहुत अच्छे होते हैं। वहीं प्रोस्टेट कैंसर से लेकर अन्य यूरोलॉजी सर्जरी भी रोबोट के द्वारा की जा रही है। इस सर्जरी के दौरान कम दर्द होता है, वहीं मरीजों को ज़्यादा समय तक बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। द विंची रोबोट के बारे में डॉक्टर अमित त्यागी ने बताया कि इसका उपयोग अन्य शहरों में भी किया जा रहा है। बुलंदशहर, आगरा, मुरादाबाद, अलीगढ़, मेरठ, गाजियाबाद और दिल्ली के कई मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि रोबोट से ऑपरेशन के दौरान कंप्यूटर गाइडेड मैग्नीफाइड 3D विजुअल प्राप्त होते हैं। इससे मरीज के लिए बेहतर परिणाम आने के चांस अधिक हैं। पता चले यथार्थ में डॉक्टर हमीदी हैं, उनसे मैंने अपना ट्रीटमेंट करना शुरू करवाया और कल ही मेरा ऑपरेशन हुआ है और सब चले अपना बिल्कुल एकदम बढ़िया हूँ, फिट हूँ, खुश हूँ। सब नर्स मेरे अंदर कोई पेन नहीं है, कोई दर्द नहीं है, किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। यहाँ के सभी स्टाफ बहुत अच्छा है, बार बार पूछने के लिए आते हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।